हेलो एंड वेलकम टू टेक इन फॉर वाई तो प्रीवियस वीडियो में फॉन्ट सेट किया था और वहां पर हमने जो है लिगेचर भी देखा था और मैंने आपसे कहा था कि मैं उसे ऑफ कर दूंगा क्योंकि हम ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है न्यू यूजर को देखने के लिए तो मैंने लिगेचर ऑफ कर दिया है हालांकि मेरे पास अभी भी जो फॉन्ट है वो यहाँ पर फिराकोट ही है अब हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं स्नेपिट के बारे में तो आई नो सबको पता है स्निपिट बहुत पावरफुल टूल है वी कोड में जिसकी मदद से हमारा मैक्सिमम काम जो है बहुत आसानी से होता है तो इस वीडियो में हम एक्सटेंशन बाद में देखेंगे पहले बिल्ट इन स्निपिट देखेंगे हम कैसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो विजुअल स्टूडियो कोड हमको प्रोवाइड करता है वो हम कैसे देखते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें यूजफुल लगे तो जरूर शेयर करें और साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा बहुत सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर अगेन कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है और इसके अंदर अब हम सर्च करेंगे यहाँ पर स्नेपिट के बारे में कॉन्फिगर तो यूजर स्नेपिट इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद में देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको कोई ग्लोबल स्निपेट फाइल अगर डाउनलोड करना है सॉरी डाउनलोड नहीं क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और हमको बिल्ट इन भी यहाँ पर स्निपेट बहुत सारे मिल जाते हैं जैसे कि आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट लाइब्रेरी सी पी पी सी शार्प सी एस एस डार्ट डिफ और भी बहुत सारे हैं इसमें तो बिल्ट इन हमको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे कि हम यहाँ पर जावा चेक करते हैं तो जावा रिएक्ट भी देख सकते हैं आप या फिर नॉर्मल जावा पर भी क्लिक कर सकते हैं तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन शो करेंगे कि कैसे हम खुद के स्निपिट जो है क्रिएट कर सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप खुद के यहाँ पर स्निपिट क्रिएट करें अभी क्योंकि जावा के लिए तो बिल्ट इन यहाँ पर हमको बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाते हैं जिसकी मदद से आधा काम तो हमारा ऑलरेडी आसान हो सकता है मगर इन केस अगर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है तो देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मिलता है तो ऑलरेडी ये कमेंट है हमको क्या करना है इसको कॉपी करना है पहले हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं ये यह हमने यहाँ से इसको एग्जाम्पल को कॉपी किया अब इस कमेंट के बाद में हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसको जो है आपको अनकमेंट करना है तो ये अनकमेंट हो चुका है अभी एग्जाम्पल का टेक्स्ट था तो इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं तो प्रीफिक्स क्या रखना है आपको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं फिर उसके बाद में उसके अंदर क्या हो यहाँ पर हम बॉडी सेट कर सकते हैं तो ये ये क्या ये फोकस है फोकस वन, फोकस फोकस डॉलर का तो इसके लिए आपको देखिए पर पूरे कमेंट्स है ये पढ़ना पड़ेगा आप पढ़ेंगे तभी इसको अच्छे से आप कर पाएंगे मगर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसमें कुछ भी ऐड ना करें सिंपली हम क्या कर सकते हैं एक्सटेंशन देख सकते हैं तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है देखिए मैं इसको कट कर देता हूँ पहले इसको सेव नहीं करना डोंट सेव करो और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन के टैब में अगर आप आएंगे तो मान लीजिए आप रिएक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ई एस सेवन यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ टॉप पे ही शो करेगा ई एस सेवन रियक्ट रिडक्स ग्राफक्यूल रियक्ट नेटिव स्नेपिट तो ये बहुत ही पावरफुल एक्सटेंशन है ऑलरेडी यहाँ पर यूजर्स देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पर देखिए इसमें हमको क्या है नीचे आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं और सपोर्ट देखिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का सपोर्ट है रिएक्ट का है फिर टाइप स्क्रिप्ट का है फिर साथ ही में जो है टी एस एक्स यानी कि रिएक्ट के साथ में भी टाइप स्क्रिप्ट यूज होती है तो उसका भी हमारे पास सपोर्ट है तो यहाँ पे देख सकते आप प्रिफिक्स तो देखिए ये प्रिफिक्स और हमने जो सेटिंग में देखा था ना कौन से सेटिंग में जैसे कि मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इनकेस अगर आप भूल गए होंगे तो कंट्रोल शिफ्ट पी और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्निपेट यूजर स्निपेट जावा स्क्रिप्ट सर्च करते हैं जावा स्क्रिप्ट और ये रहा हमारा प्रीफिक्स राइट तो ये हम जैसे सेट कर रहे थे ना तो इन्होंने क्या किया है? इस पैकेज में कहाँ है पैकेज ओके क्लोज हो गया क्या वापस से इसको ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आई एम पी तो जैसे मैं ये टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर मॉड्यूल के लिए जो है हमको रेडीमेड कोड मिल जाता है जैसे कि आपने मेरे ट्यूटोरियल्स भी देखे होंगे तो, तो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं जैसे कि रिएक्ट के, के लिएक्ट और, और बहुत सारे अब हम सारे तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते ना तो आपको खुद से ये देखना पड़ेगा आप अपनी सहूलत के हिसाब से यहाँ पर उसमें से जो भी चीज आपको चाहिए उतना आप लिख के रख ले क्योंकि देखिए एकदम ही कोई याद नहीं कर सकता तो आप क्या करें उसको स्टेप बाय स्टेप करें डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहे तभी आपका जो है हाथ उस पर बैठ जाएगा फिर नॉर्मली आपको याद रखने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है टाइप कर देगा और इन केस अगर कोई आप दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे या फिर अगर आप रिमोटली एक्सेस करेंगे तो हो सकता है उसके पास वो सेम ना हो अब आप, आपकी सेटिंग उसके उसमें तो अप्लाई नहीं कर सकते ना तो आप क्या कर सकते हैं इन एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से फिर आप जो है ईजिली देखिए इंस्टॉल कर दिया काम किया और सामने वाला को नहीं पसंद तो फिर आप अनस्टॉल भी कर सकता है ना वो तो बेटर है कि आप स्निपिट के लिए जो जो है 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 का इस्तेमाल करें और साथ ही में प्रीटियर प्रीटियर आता कोड फॉर्मेटर के लिए सो देखिए पर प्रीटियर आप इसको भी इंस्टॉल करके रखें बहुत अच्छा है आपका कोड ऑटोमेटिकली जो है बराबर से फॉर्मेट कर देता है तो इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन का और स्निपिट आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर भी इनकेस अगर आपको क्रिएट करना है तो मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट पी आप प्रेस करें यहाँ पे आपको सर्च करना है स्नेपिट को और उसके अंदर से आपकी फेवरेट लैंग्वेज हमारे केस में है जावा स्क्रिप्ट हालांकि फेवरेट तो नहीं हो सकती जावा स्क्रिप्ट मगर फिर भी हमारे केस में है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पर जेसन पे आ चुके हैं और इस जेसन में आपको क्या करना है प्रीफिक्स बॉडी और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है ताकि जब भी हम ऐसा होवर करते हैं ना होवर करने के बाद देखिए कुछ हमको टूल टी पाती है तो ये हमको शो करता है जो भी इस बॉडी के अंदर होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में जो भी हम ऐड करेंगे ना तो वो एज अ टूल टिप काम करेंगी और भी अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप नीचे कमेंट करें अगर ज़्यादा कमेंट रिया तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो और देख लेंगे उस पर कैसे हम जो है खुद के कस्टम स्नेपिट क्रिएट कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे आपको स्नेपिट क्रिएट करना है हालांकि हमने नहीं शो किया कि आप खुद से क्रिएट करें क्योंकि एक्सटेंशन है ऑलरेडी तो फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें डायरेक्टली आप जो है एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं लेकिन इन केस अगर आप इतने पिरो हो चुके हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर इस डॉक्यूमेंटेशन का रेफरेंस लेके क्रिएट कर सकते हैं आई so होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में